Welcome to Be the Superhero. If you love superhero and sci-fi content, please do subscribe and follow us on Instagram, Facebook, and Fanpower. Warning: इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो शायद से फैन थ्योरी या फिर स्पॉइलर हो सकते हैं. तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस कंटेंट. हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है डीसी मल्टीवर्स के ऊपर. डीसी का मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में है जो अभी तक मार्वल नहीं पहुंचा गया है. मार्वल के सीरीज़ और मार्वल के मूवीज़ जो है वो कनेक्टेड नहीं है अभी तक. मतलब कोई भी सीरीज़ किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है. बट मैंने कल का जो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है मार्वल को बड़ा एक यूनिवर्स बनाने के लिए. बट डीसी का ऐसा नहीं है. डीसी का सीरीज़ और डीसी का जो वर्ल्ड है वो अलग तरीके से काम करता है. मतलब डीसी का फ्लैश एग्जिस्ट करता है और जस्टिस लीग का फ्लैश भी एग्जिस्ट करता है. बट दोनों का अलग यूनिवर्स और बेसिस में है. और इवनली मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हो रही है वो डीसी पहले से कवर कर चुकी है. उनके बाद पुराना जो सुपरमैन है उसका बैक होने के चांसेस आ रहे हैं. और सीरीज़ में वैसे भी आ चुके हैं वो लोग. और सेम चीज़ मूवी में आएंगे. और फ्लैश पॉइंट और बैटमैन जैसे मूवीज़ में वापस रीबिल्ड होने वाला है. फ्लैश पॉइंट में बैटमैन वापस दिखने वाला है हमको पुराने वाले. और इवनली सुपरमैन भी दिखने के चांसेस जा रहा है. और देखते हैं कि ब्रूस वेन का जो रोल होने वाला है फ्लैश पॉइंट में वो कैसे वाला प्रेजेंटेशन होने वाला है. और इवनली ये यूनिवर्स सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट यूनिवर्स है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा प्लॉट सेट कर दिया है. क्योंकि पहले से डीसी का जो सीरीज़ है और इवनली द डीसी मूवीज़ है दोनों सही तरीके से काम कर रहे हैं. बट डीसी मूवीज़ में लो एफर्ट्स है और डीसी के सीरीज़ जैसे फ्लैश और सुपर गर्ल और ग्रीन एरो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहते हैं. अगर आपको देखना है तो आपको सब देखना पड़ेगा वरना आपको कुछ समझ नहीं वाला. सेम विथ डीसी, जैसे हम मार्वल मूवीज एक अगर छोड़ दिया तो हमको कॉम्प्लिकेशन भूल जाते हैं. सेम सीरीज और डीसी के मूवीज एक साथ कनेक्टेड होकर वर्क होंगे इन द वे ऑफ मल्टीवर्स. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है. आपसे मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ. तब के लिए बाय, पीस आउट वर्ल्ड. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है कि क्या करना है.